अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम टू कॉमरेड स्पीक्स। बात करेंगे वो कैंडिडेट्स उम्मीदवार जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए रोटेट भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। प्रिपरेशन के वाले से सेकंड रेडियो है, इसका फर्स्ट पार्ट भी बना दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने, व्यूअर्स ने, भाइयों ने कहा था इसका सेकंड पार्ट भी बना दो, तो मैंने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ ही सेकंड पार्ट बना दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स उम्मीदवार और भाइयों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस हम मौजूद हैं अपने फिजिक्स क्वेश्चन के ऊपर। विविध तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रेडिएशन इज एमिटेड बाय दोज एलिमेंट्स हुज। विविध अब ये कह रहे हैं कि एलिमेंट जो है रेडिएशन को रिलीज क्यों करते हैं, एमिट क्यों करते हैं, आखिर वजह क्या बनती है। तो चार ऑप्शन है, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल, न्यूक्ली आर स्टेबल, न्यूक्ली आर अनस्टेबल। तो व्यूअर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है न्यूक्ली आर अनस्टेबल। जब भी कोई एलिमेंट रेडिएशन को रिलीज करता है उसकी वजह ये बनती है क्योंकि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ये तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इंटू। व्यूअर्स अब ये कह रहे हैं कि माइक्रोफोन जो है ये साउंड एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये देखें, मैं साउंड एनर्जी को मोबाइल जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। व्यूअर ये कह रहा है कि जो तमाम रेडिएशन नीचे ऑप्शन में दी गई हैं इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी। पेनिट्रेटिंग पावर व्यूअर्स इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर से गुजर जाना, आर पार होने की सलाहियत किस रेडिएशन की सबसे ज़्यादा। चार ऑप्शन है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, नन ऑफ दिस। तो व्यूअर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है गामा रेज। व्यूअर्स इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, और किसी भी एलिमेंट की अगर वेवलेंथ शॉर्ट होंगी तो उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मैग्नेट। व्यूअर ये कह रहा है कि जो है ना एक मैग्नेट जो होता है इसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मतलब वो कितनी अच्छे तरीके से किसी चीज़ को खींच सकता है, वो कौन सा पार्ट होता है। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, मिडेन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो व्यूअर्स का सही और करेक्ट आंसर है नॉर्थ एंड साउथ पोल। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल। व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंसेज। व्यूअर्स अभी कह रहा है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या किसी चीज़ को इकट्ठा लिखना। अभी कह रहा है कि फोर्स और डिस्टेंस का जो है ना प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है वर्क, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगाई जाएगी और डिस्टेंस भी अगर वो कवर करती है तो इसका मतलब है कि उसने वर्क किया है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू। व्यूअर्स अभी इसमें कह रहा है कि मेटल जो होते हैं बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने अंदर से गुजरने देते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। चार ऑप्शन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज, रैपिड वाइब्रेशंस ऑफ देयर एटम्स। व्यूअर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से जो है ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास थ्रू कर देते हैं। तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डायरेक्ट मतलब कि डीसी करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट एसी इज। व्यूअर्स ये कह रहा है कि वो कौन सा डिवाइस है, वो कौन सा आला है, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार ऑप्शन है, इन्वर्टर, कन्वर्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर। तो व्यूअर्स का सही और करेक्ट आंसर है इन्वर्टर। व्यूअर्स आपने अक्सर घरों में भी देखा होगा सोलर एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो जो है ना उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्यूअर्स ये एक न्यूटन का लॉ आप सबको पता है, अभी इसमें पूछ रहे हैं कि एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड और नन ऑफ दी। तो व्यूअर्स का सही और करेक्ट आंसर है सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, द बर्ड स्ट्रेच आउट देयर विंग्स एंड सर्कल्स इन द राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर कार। व्यूअर्स इसकी एक एग्जांपल देख रहे हैं, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं आपने देखा होगा अक्सर चीज़ें जो होती हैं उकाब वगैरह वो जो है ना बगैर परों को हिलाए ही जो है ना उड़ रही होती हैं आसमान में, क्योंकि वो व्यूअर्स वो जो है ना एक प्रोसेस है, उसको जो है ना उनको अच्छी तरह से समझ आए कि इसका किस तरह इस्तेमाल करना है, वो कौन सा प्रोसेस है इसमें वो पूछ रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन या फिर थर्मल। तो व्यूअर्स का सही और करेक्ट आंसर है थर्मल। इसी वजह से जो है बर्ड्स को इसको इसी है ना हम ये भी कहते हैं कि ये थर्मल ग्लैडिएटर्स हैं। तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। व्यूअर्स ये कह रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी सतह जो होती है ज़मीन की, उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो कौन सी फिजिक्स कहलाएगी, एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो व्यूअर्स का सही और करेक्ट आंसर है जियो फिजिक्स। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। जी तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट अर्थ। व्यूअर्स ये कह रहा है कि
सैटेलाइट्स है जो अर्थ की, वो नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है? तो व्यूज हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है जो कि एक ही है, तो वन इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ ओनली वन एंड इट इज़ ओनली मून। ये तो व्यूवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। व्यूवर्स ये कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। व्यूवर्स ये इसमें आपसे स्क्रू गेज का भी पूछ सकता है, बीम बैलेंस का भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये तमाम क्लियर करके जाने हैं पहले से। तो व्यूवर्स अभी इसमें लीस्ट काउंट पूछा गया है वर्नियर कैलिपर कैलिपर का, तो व्यूवर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है 0.1 मिलीमीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो व्यूवर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन। व्यूवर्स ये एक मशीन होती है, जब आपने अक्सर देखा होगा जो सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ पे लोग बाइक्स वगैरह या गाड़ी वगैरह धुलवा रहे होते हैं, तो आपने देखा वो एक मशीन के जरिए ऊपर एक चीज़ को खड़ा किया होता है। तो इसे वो इसमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मशीन जो है वो कौन से प्रोसेस के ऊपर अमल करती है, वो कौन सा प्रिंसिपल है। चार ऑप्शन है, हुक्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो व्यूवर्स का सही और करेक्ट आंसर है पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। व्यूवर्स ये कह रहे हैं वो कौन सा जो है लेंस यूज़ किया जाता है फार साइटेडनेस को ख़त्म करने के लिए। व्यूवर्स आपने सबसे पहले ये समझा फार साइटेडनेस क्या होता है। व्यूवर्स फार साइटेडनेस में जो है ना हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आता, जब से जैसे कि आप देख भी सर रहे हैं अभी। तो व्यूवर्स इसका इसमें पूछ रहे हैं वो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स, कनकेव, साइलेंड्रिकल या फिर प्लेन ग्लास। तो व्यूवर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है कन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू करेक्ट फार साइटेडनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मोटर स्प्लिट रिंग्स आर मेड ऑफ। व्यूवर्स ये कह रहा है कि जो डायरेक्ट करंट वाली मोटर्स होती है इसको या ना जो उसकी स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, वो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया होता है, स्टील, कार्बन, कॉपर या फिर आयरन। तो व्यूवर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है कॉपर। डीसी मोटर की जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो कॉपर मटेरियल से बनी होती हैं, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस हाउ मच चार्ज आस कैपेसिटर कैन स्टोर इज कॉल्ड। व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि वो कौन सी जो है ना प्रॉपर्टी है, वो कौन सा जो है ना अमल है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि एक कैपेसिटर इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, बाइक्स, मोटर्स, फैंस, इसके अंदर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है ताकि वो चार्ज को स्टोर कर सके। तो ये इसमें पूछ रहा है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, चार ऑप्शन है, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, डाइपोल मोमेंट। तो व्यूवर्स इसका सही और करेक्ट आंसर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से हम पता कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर की कितनी जो है ना एनर्जी है, पावर है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। जी तो व्यूवर्स ये थे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को देख लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।